नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपका डाउट क्रिकेट्स में, और आप देखना शुरू कर चुके हैं एशिया कप स्पेशल। टीम इंडिया को श्रीलंका के खिलाफ करो या मारो के मैच में हार का सामना करना पड़ा है। भारत द्वारा दिए गए 174 रनों का टारगेट को श्रीलंका ने आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। इसी के साथ साथ टीम इंडिया के फाइनल में पहुंचने के चांस काफ़ी कम हो गए हैं और भारत एशिया कप से लगभग बाहर हो चुके हैं। श्रीलंका ने इस मैच को 6 विकेट से जीता। जब श्रीलंका को 2 बॉल पे 2 रन चाहिए थे, तब अक्षदीप सिंह की बॉल को श्रीलंकाई बल्लेबाज हिट नहीं कर पाए। बॉल विकेट कीपर के पास गई, वहां से थ्रो होकर बॉलर के पास आई और फिर से थ्रो करने के चक्कर में भारत 2 रन दे बैठे और इसी के साथ मैच खत्म हो गया। श्रीलंका को आखिरी ओवर में 7 रनों की जरूरत थी। अक्षदीप सिंह ने आखिरी तक टीम इंडिया को जीत दिलाने के लिए जोर शोर लगाया, लेकिन वह सफल नहीं हो पाए। अब फाइनल में कैसे पहुंच सकती है टीम इंडिया, इसके बारे में आइए बात कर लेते हैं। भारत ने एशिया कप 2022 में लगातार अपना दूसरा मुकाबला गंवाया। पहले पाकिस्तान और अब श्रीलंका से मिली हार के बाद टीम इंडिया का एशिया कप के फाइनल में पहुंचना मुश्किल हो गया है। टीम इंडिया इस टूर्नामेंट में रहने के लिए पूरी तरह से दूसरी टीमों पर निर्भर है, खासकर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के मैच पर सब कुछ निर्भर करेगा। 7 सितंबर को पाकिस्तान और अफगानिस्तान का मैच है, यानी आज। अगर यहां पाकिस्तान की जीत होती है तो भारत टूर्नामेंट से बाहर हो जाएगा और फिर उसका आखिरी मैच सिर्फ एक औपचारिकता रह जाएगा। ऐसे में भारत के फाइनल में पहुँचने के सिर्फ एक चांस है, अफगानिस्तान अपने मैच में पाकिस्तान को हरा दे, भारत अपने आखिरी मैच में अफगानिस्तान को हरा दे, श्रीलंका भी पाकिस्तान को हरा दे, भारत का नेट रन रेट अफगानिस्तान और पाकिस्तान से बेहतर हो जाए, तब भारत फाइनल में पहुंच सकता है। श्रीलंका की इसी मैच में जबरदस्त शुरुआत हुई और दोनों ओपनर्स ने भारत के बॉलर्स पर करारा प्रहार किया। श्रीलंका के ओपनर्स ने सिर्फ 12वें ओवर में 97 रनों की पार्टनरशिप की। प्रथम निशंका ने 37 बॉल पर 52 रन बनाए, जिसमें 4 चौके और 2 छक्के शामिल थे, जबकि कुशल मेंडिस ने 37 बॉल पर 57 रनों की पारी खेली। जैसे ही श्रीलंका के ओपनर्स आउट हुए, टीम इंडिया की मैच में वापसी हुई। रविचंद्र अश्विन और युजवेंद्र चहल के स्पेल ने श्रीलंका को पूरी तरह से बैकफुट पर धकेल दिया। युजवेंद्र चहल ने अपने 4 ओवर में 34 रन देकर 3 विकेट झटके। उन्होंने दोनों ओपनर्स के अलावा चरित अश्रंका को भी आउट किया। वहीं इस मैच में टीम में शामिल किए गए रवि अश्विन ने अपने 4 ओवर में 32 रन देकर 1 विकेट लिया। इस मैच में रोहित के अलावा बाकी सब बल्लेबाज रहे फेल। टीम इंडिया को इस मैच में पहले बैटिंग करने का न्योता मिला और उसकी शुरुआत फिर खराब ही रही। केएल राहुल सिर्फ 6 रन बना के आउट हुए, लेकिन इस बार टीम के कप्तान रोहित सुपरहिट शर्मा ने कमाल कर दिया। रोहित शर्मा ने ताबड़तोड़ 72 रन बनाए और लंबे वक्त के बाद फुल फ्लो में दिखे। रोहित शर्मा ने अपने पारी में 5 चौके और 4 छक्के लगाए, लेकिन कप्तान रोहित शर्मा के अलावा कोई भी बल्लेबाज बड़ा स्कोर नहीं कर पाया। पूर्व कप्तान विराट कोहली 0 के स्कोर पर आउट हुए, जबकि हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत 17-17 रन ही बना पाए। रोहित शर्मा का साथ कुछ देर के लिए सिर्फ सूर्यकुमार यादव ने निभाया, जिन्होंने 34 रनों की पारी खेली। टीम इंडिया के लिए रोहित शर्मा ने एक छोर से संभाले रखा, लेकिन दूसरी ओर से विकेट गिरे तो अंत में जाकर भारत की रनों की रफ्तार धीमी पड़ गई। ऐसे में अंत में जाकर भारत की पारी 173 रनों पर खत्म हो गई और यह मैच श्रीलंका 6 विकेट से जीत गया। और आपको क्या लगता है कि टीम इंडिया एशिया कप के फाइनल में जगह बना सकती है या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।